वेलकम बैक एवरीवन इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यूज के बारे में एपिथेलियल कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यूज को हम डिस्कस कर चुके हैं तो जो नर्वस टिश्यूज है यानी जो एक तरह से न्यूरल टिश्यूज़ भी हम इसको बोलेंगे तो जो नर्वस टिश्यू है या फिर न्यूरल टिश्यू है ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कोड ये दोनों के दोनों क्या है न्यूरल टिश्यू फॉर्म करते हैं तो न्यूरल टिश्यू के अंदर दो चीज़ें होती हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड किसमें हेल्प करेंगे इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन में बॉडी के अंदर जो भी इंटीग्रेशन होगा जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके अंदर न्यूरल टिश्यू हेल्प करेगा कोई भी स्टिमुलस आया बाहर से उसके ऊपर हमें क्या रिस्पॉन्स देना है वो हमारा कम्युनिकेशन ब्रेन या फिर न्यूरल टिश्यू करेगा न्यूरोस न्यूरॉन्स जो होते हैं द यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम न्यूरल सिस्टम की यूनिट्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं आर एक्साइटेबल सेल्स ये एक्साइटेबल सेल्स होती जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा ये एक्साइट होंगी न्यूरोग्लाइल सेल्स विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द अब न्यूरल टिश्यू के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होगी इन दो चीज़ों के अंदर एक तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे न्यूरॉन्स ये न्यूरॉन हो गया ये ऐसे जो गया हुआ है ये न्यूरॉन हो गया और न्यूरॉन इसके अलावा यहाँ पे न्यूरोग्लायल सेल्स प्रेजेंट होती है जो स्पोर्ट्स से हमें नज़र आ रहे हैं वो क्या है न्यूरोग्लायल सेल्स है जो किस में हेल्प करेंगी जो हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में और न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने में न्यूरोग्लायल जो सेल्स होंगी न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन वन हाफ ऑफ द तो यहां पे प्रेजेंट लेकिन जो न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होगा यहाँ पे मेक अप टू मोर देन वन हाफ ऑफ द वॉल्यूम वन हाफ ऑफ द से भी ज्यादा वॉल्यूम में न्यूरोग्लिया यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये हो गया कि जो न्यूरॉन्स क्या होंगे यहाँ पे बेसिक यूनिट या फिर यूनिट होगी न्यूरल सिस्टम की या फिर नर्वस सिस्टम की अब ये न्यूरॉन है ये कैसा होता है ये ऐसा हमें नज़र आता है न्यूरॉन जिसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं सबसे फर्स्ट यहाँ पे सोमा होती है जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेल बॉडी जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में लेके आते हैं यहाँ से जो भी सिग्नल आएगा वो डेंड्राइट्स के थ्रू आएगा देन एग्जोन से सिग्नल पास होकर एक्जोन टर्मिनल से नेक्स्ट जो इसको कहाँ जाना है वहाँ पे ये डिफ्यूज़ हो जाएगा कि नेक्स्ट इसको किसी दूसरे न्यूरॉन के पास जाना है या नेक्स्ट इसको मसल्स के पास जाना है तो ये वहाँ पर जाके डिफ्यूज़ हो जाएगा तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे सोमा या फिर सेल बॉडी की सेल बॉडी जो होती है न्यूरोन की कंटेन्स अ न्यूक्लियस इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होगा तो इसके अंदर एक तो न्यूक्लियस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस ये प्रेजेंट होती है इट इज द बायोसिंथेटिक सेंटर ऑफ द न्यूरोन न्यूरोन का ये बायोसिंथेटिक सेंटर होता है न्यूरॉन का ये बायोसिंथेटिक सेंटर होगा नेक्स्ट है द टाइप ऑफ मोटर न्यूरॉन्स दैट हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू रिसीव सिग्नल फ्रॉम फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स जो मोटर न्यूरोन्स है मोटर न्यूरॉन्स के पास लार्ज सरफेस एरिया प्रेजेंट होता है कि वो uh, इस जो नेक्स्ट जो सिग्नल आने वाला है उसको रिसीव कर सके दूसरे न्यूरो से यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा ऐसे दूसरा न्यूरो प्रेजेंट होगा तो इस न्यूरॉन से जो सिग्नल आने वाला है डेंड्राइट्स के अंदर डेंड्राइट्स के अंदर जो सिग्नल आएगा तो ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे जो इसका सरफेस एरिया उसको इंक्रीज कर देंगे कि वो अदर न्यूरॉन से जो सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव कर सके द इनकमिंग मैसेज इज कन्वेड बाय द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी जो भी इनकमिंग मैसेज आएगा वो डेंड्राइट्स के थ्रू सेल बॉडी को कन्वे कर दिया जाएगा देर फोर दे आर कॉल्ड रिसेप्टिव इनपुट रीजन इसलिए डेंड्राइड्स को रिसेप्टिव इनपुट रीजनस बोलते हैं तो ये हो गया डेंड्राइड नेक्स्ट इसके अंदर प्रजेंट होता है एग्जोन एग्जोन्स आर वेरी लोंग एंड थिन एग्जोन क्या होता है लोंग होता है एंड थिन होता है दे आर मोर वायर लाइक एंड कैन गो अप टू सेवरल फीट इनकी लेंथ सेवरल फीट तक भी हो सकती है और ये वायर लाइक -like होते हैं ये क्या करते हैं कनेक्ट करके रखते हैं जो भी सेल बॉडी है उसको एक्जोन टर्मिनल से फंक्शन क्या होगा इनका एक्जोन का टू कंडक्ट द सिग्नल जो भी यहाँ से डेंड्राइड से सिग्नल सेल बॉडी के अंदर आता है उसको नेक्स्ट कंडक्ट करने का काम एक्जोन का होगा इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन फर्स्ट तो यहाँ पर जनरेशन होगी नेक्स्ट ट्रांसमिशन होगी यहाँ से ले कर यहाँ तक ट्रांसमिशन होगी ऑफ द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी सेल बॉडी से अवे लेके जाएगा जो भी इम्पल्सिज होंगी तो यहां पे क्या होगा सबसे फर्स्ट तो ये कंडक्ट करेगा क्या कंडक्ट करेगा जो भी सिग्नल डेंड्राइट से आया था सेल बॉडी के अंदर तो ये क्या करेगा पहले तो जनरेट जनरेशन करेगा देन ट्रांसमिशन करेगा एग्जोन टर्मिनल्स के अंदर इनका ट्रांसमिशन करेगा इसके बाद एग्जोन टर्मिनल जो होते हैं दैट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एक्जोन एक्जोन के एंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड कनेक्टेड टू द अदर न्यूरॉन यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा ये उसके डेंड्राइट्स हो गए और ये ऐसे प्रेजेंट है ये सेल न्यूक्लियस हो गया सेल बॉडी का तो ये क्या करेंगे नेक्स्ट जो सिग्नल जाना है उसको उस एक्जोन टर्मिनल को डेंड्राइट से कनेक्ट करके रखेंगे कि जो नेक्स्ट सिग्नल है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर चला जाए नेक्स्ट है टाइप ऑफ न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स के कौन कौन से टाइप होंगे बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी कैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसके बेस पे या तो ये मोटर न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स हो सकते हैं ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफ़ेक्टर ऑर्गन ये क्या करेंगे इफ़ेक्टर ऑर्गन तक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे सेकेंड है सेंसरी न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम होगा उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन होगा वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू होगा और एफरेंट न्यूरो के थ्रू होगा एंड नंबर थर्ड इज़ इंटर न्यूरोन प्रोसेसिज आर लिमिटेड टू अ लोकल एरिया इन द ब्रेन और स्पाइनल कोड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अंदर इनकी जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी लिमिटेड होगी सिर्फ एक लोकल एरिया तक ही प्रेजेंट होगी जैसे कि इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन को गया यहाँ पे पेरीफल से सेंट्रल के पास आया लेकिन इसके अंदर क्या है लोकल एरिया के अंदर ही इसकी प्रोसेसिज प्रजेंट होती हैं मोटर न्यूरोन हो गया नेक्स्ट सेंसरी न्यूरोन और ये इंटर न्यूरोन हो गया इसके बाद बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर टाइप ऑफ न्यूरोन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर बाइपोलर न्यूरोन हो सकते हैं बाईपोलर के अंदर क्या होगा वन डेंड्राइट एंड वन एक्ज़ोन, एक डेंड्राइट प्रेजेंट होगा और एक एग्जोन प्रेजेंट होगा यहाँ पे एक ही डेंड्राइट और एक ही एक्जोन होगा और इसलिए इसको बोलते हैं बाई पोलर बाई यानी कि इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होंगी दो में से एक डेंड्राइट और एक एक्जोन होगा यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये जैसे कि यहाँ सेल बॉडी को जो सिग्नल आएगा डेंड्राइट्स के थ्रू आएगा और एक ही यहाँ पे क्या होगा एक्जोन होगा ये एक्जोन हो गया मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर क्या होगा दे हैव थ्री और मोर प्रोसेसेस तीन और तीन से ज़्यादा प्रोसेसेस हो सकती है कमिंग फ्रॉम द सेल बॉडी जो कि सेल बॉडी से आएंगी ये सेल बॉडी हो गई इस सेल बॉडी से जो प्रोसेसेस आएंगी वो कैसी हो सकती है तीन और तीन से ज़्यादा हो सकती है जनरली दे हैव वन एक्ज़ोन एंड मैनी डेंड्राइट्स एक्ज़ोन तो यहाँ पे एक ही है लेकिन डेंड्राइड्स क्या है बहुत सारे हैं तो इसको क्या बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरोन तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया न्यूरल टिश्यू भी कंप्लीट हुआ जिसके अंदर हमने न्यूरॉन्स के न्यूरॉन्स के पार्ट्स के बारे में देखा दे, जैसे कि उसके अंदर सेल बॉडी डेंड्राइट्स एग्जोन एग्जोन टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कौन कौन से हो सकते हैं तो यहाँ तक हमारा टिश्यूज़ का पार्ट खत्म होता है इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच